हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आप नया सीख सकें। मेरे साथ मेरे स्टूडेंट है, मैं उनका नाम जान लेता हूँ, क्या नाम है, कौन सा डे है और क्या कॉन्फिडेंस है। हेलो ब्रदर, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? मनेंद्र यादव। कौन सा डे है आपको ड्राइविंग करने का? कहाँ से आए आप ड्राइविंग सीखने? सीतापुर से। तो फर्स्ट डे के हिसाब से और सेकंड डे के हिसाब से क्या कॉन्फिडेंस आपको लग रहा है? सेकंड डे के हिसाब से कम से कम 40-50% कॉन्फिडेंस आपका हो चुका है। जजमेंट 50% आपका जजमेंट हो चुका है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक भी बार क्लच ब्रेक का यूज नहीं कर रहा हूँ। तो जब मैं यूज नहीं कर रहा हूँ तो फुल कंट्रोल आपके पास है, बस चीजों को याद रखना है और थोड़ा बिफोर प्लान करना है। तो दोस्तों अभी हम सिंगल रोड पे हैं और ये कंचना बिहारी मार्ग। शाम को अगर 6 बजे इस रोड पे आप गाड़ी को निकाल लेते हैं तो समझ लो आप अमीनाबाद और दिल्ली के चांदनी चौक में आप गाड़ी चला सकते हैं। तो सिंगल रोड जो है, ये आप देख रहे हैं, इस रोड की जो चौड़ाई है बहुत ज़्यादा नहीं है। आगे टी पॉइंट से हमें लेफ्ट चलना है। अभी लेफ्ट का सिग्नल दे दो, इतना पहले सिग्नल देना चाहिए ऊपर को, ताकि आने जाने वाले लोग अलर्ट हो जाएं, ध्यान रखना। अभी राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे होना चाहिए और लेफ्ट वाला क्लच पे, और लॉन्ग हॉर्न पुश करो, लंबा हॉर्न बजाओ। हाँ बस, अब धीरे धीरे लेफ्ट जाना है, गड्ढा है बचा के। हाँ थोड़ा आगे जाके अब टर्न करो फटाफट, क्योंकि अभी देखो गड़बड़ किया ना स्टीयरिंग घुमाने में। इतना पैनिक थोड़ी होना है, उसको बहुत प्यार से रोटेट करना है, ठीक है, बहुत प्यार से। हड़बड़ाओगे, पैनिक होगे तो फिर एक्सीडेंट ही होगा। स्लो कर लो इसको, लॉन्ग हॉर्न बजाओ, लंबा हॉर्न बजाते रहो और बजाओ, छोड़ो। अब उसको नहीं पता कि उसके पीछे ट्रक आ रहा है, टेम्पो आ रहा है, उसको अभी भी आपने सटा के निकाला है उस बंदे से। जब मैंने बोला ओवरटेक करने के लिए, उसके बाद आपको हल्का राइट रखना चाहिए था, आपने लेफ्ट दबा दिया। गाड़ी पूरी तरीके से ओवरटेक नहीं हो पाई थी और उससे पहले आपने गाड़ी को लेफ्ट दबा दिया। अब ये बंदा जो जा रहा है, इसको बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? हाँ, तो फिर हॉर्न किस तरीके से बजाना चाहिए? थोड़ा लंबा हॉर्न, लॉन्ग हॉर्न, हाँ ऐसे राइट दबाओ, ताकि अगले को, क्योंकि 100% इसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, और जो सामने से आ रहा है ना वो 50% हमें नोटिस कर रहा है। तो लेफ्ट वाले को 100% हमें बचाना, वो हॉर्न दे के गाड़ी को रोक के अपना साइड मेंटेन करके, वो सारी जिम्मेदारी आपकी है, और ये बिफोर प्लान करना होता है। राइट दबाओ, लेफ्ट क्यों दबा रहे हो मेरे भाई? फिर आपने सटा दिया, फिर आपने लेफ्ट इतना ज़्यादा सटा दिया, क्यों, क्या दिक्कत है? इस मिरर को रिकॉल क्यों नहीं कर रहे हो? इसको क्यों नहीं बार बार देखते हो? तो समझ में नहीं आ जा रहा है। जब इसको देखोगे तो पूरी तरीके से लेफ्ट का अंदाजा हो जाएगा। थोड़ी गाड़ी स्लो कर लो, सामने क्रेटा आ रही है। हाँ बस अब जाने दो, हल्का राइट दबाओ ना, इधर टकरा जाएगी। हाँ अभी आप लेफ्ट में ध्यान नहीं दे पा रहे हो सही से, जैसे होना चाहिए, क्योंकि सारा खेल तो लेफ्ट का ही है। राइट में आप बैठे हो, राइट में अगर नहीं भी देखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राइट वाला जो बंदा निकलेगा वो खुद डिस्टेंस मेंटेन करके जाएगा, ठीक है। लॉन्ग हॉर्न पुश करो, ब्लाइंड टर्न है। हॉर्न बजाने का दोस्त कोई पैसा नहीं लगता है, ये इंडिया है, इंडिया में हॉर्न बजाना बजा सकते हैं, बाहर कंट्रियों में हॉर्न नहीं बजा सकते, फाइन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप हॉर्न नहीं बजाओगे तो लोग आके भिड़ जाएंगे, और जिसकी जितनी बड़ी गाड़ी उसकी उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी। गलती चाहे जिसकी हो, मानी हमेशा बड़ी गाड़ी की जाती है। अब मैडम जा रही, इनको लॉन्ग हॉर्न पुश करके अलर्ट कर दो। हॉर्न बजा के इसलिए अलर्ट करना है, स्लो करो, लेफ्ट आ जाओ, रोक लो यहीं पे पूरा क्लच, धीरे से ब्रेक स्टॉप। अब देखो तुमने पूरा क्लच नहीं दबाया था, किया ना गलती, गाड़ी पहले रोक दी, क्लच बाद में दबाया। अब इसको फर्स्ट गियर में करो, पहले ब्रेक छोड़ो, धीरे से क्लच छोड़ो, जाओ स्टीयरिंग सीधी करो। अब तुमने झटके से क्लच छोड़ा, जिसकी वजह से गाड़ी का इंजन बंद हो गया। भाई क्लच दबा के इंजन ऑन कर लो। जब भी गाड़ी रोकी जाती तो पहले क्लच दबाना चाहिए बाद में ब्रेक, या पहले ब्रेक दबा के क्लच लेना चाहिए? तो अभी आपने क्या किया? हाँ, और थोड़ा तेज बोला करो, ठीक है। पहले हमेशा फर्स्ट और सेकंड गियर में गाड़ी को रोकने के लिए पहले पूरा क्लच फिर ब्रेक, क्लच से इंजन फ्री होता है। वो तो लास्ट मोमेंट पे, अभी आपकी गाड़ी रुक गई, नहीं तो आपकी गाड़ी का इंजन बुझ गया था। मुझे नहीं लग रहा था कि आप गाड़ी सही तरीके से कंट्रोल कर पाओगे, जो आपने अभी वहां पे गलतियां करी हैं। पहले पूरा क्लच ले लेना चाहिए फिर ब्रेक लेना चाहिए, क्लच पूरा दब जाने के बाद ही, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड गियर में गाड़ी 10-20 चल रही होती है, तो वहां पे कार को झटके और बंद होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। थर्ड और फोर्थ गियर में अगर हम चल रहे हैं तो हम पहले ब्रेक लगा के फिर धीरे से क्लच दबा लेंगे, क्योंकि गाड़ी की स्पीड ज्यादा होती है वहां। अभी इंजन क्या कह रहा है? अभी नहीं बदलना है,
बोल रहा है क्योंकि आप स्पीड ज्यादा दे रहे हो, क्योंकि सामने अंकल जा रहे हैं और ई रिक्शा भी आ गया है। हल्का राइट दबाओ, राइट बस, हल्का और राइट, लेफ्ट आ जाओ आप, लेफ्ट। हाँ बस, देखो देखो देखो, देखो। भाई किसी को टच नहीं होनी चाहिए, टच नहीं होना चाहिए, स्पीड बढ़ाओ गाड़ी किसी को। अब सेकंड गियर करो, हाँ क्लच पहले दबाना है, गियर को बाद में खींचना है। अगर पूरा क्लच दबा लोगे गियर वैसे मक्खन की तरीके से लगेगा। अगर गियर पहले खींच देते हो और क्लच बाद में दबेगा या आधा क्लच दबाओगे तो गियर अटकेगा, कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा। तो दो तीन बातों को आपको हमेशा ध्यान देना, गाड़ी रोकने से पहले आपका पूरा क्लच दब जाना चाहिए फर्स्ट और सेकंड गियर में। टर्निंग पॉइंट पे आप टर्निंग से पहले 50% क्लच ले सकते हैं, ब्रेक की कोई जरूरत नहीं। क्लच इसलिए, एक होता है ब्रेक से गाड़ी को धीमा करना, एक होता है हम जब क्लच दबा लेते हैं हाफ तो हमारा जो इंजन है वो 50% वहां से फ्री हो जाता है, तो क्या होता है कि गाड़ी बिना ब्रेक के धीरे से डाउन हो जाती है। ठीक है, समझ गए? सामने खड्डा है, इसको बीच में कर लो। हाँ, और जो आपका बैलेंस है ना राइट वाले पैर का, वही मेन है। अगर आप बैलेंस सही से बना नहीं पा रहे तो फिर गाड़ी कभी अब देखो, अभी फिर आपने गलती कर दी। मेरे भाई क्या कर रहे हो, ये खुद भी पिटोगे और हमको भी पिटवाओगे। लेफ्ट जब किसी को सीधा जाना, जब किसी को ओवरटेक कर रहे हो तो नजर कहां पे होनी चाहिए? अभी मैंने क्या बोला था, अभी थोड़ी देर पहले क्या समझाया था? सीधा चलो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कोई बात बोली थी कि जब भी मैं कुछ पूछूंगा तो आप उसका आंसर कैसे देंगे? मेरा कोई नुकसान नहीं इसमें, तुम्हारे ही नुकसान है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।